हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अग्रवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं। पहला है, 500 रुपये का 42% और 36% और 22% क्या होगा? 500 रुपये का 42%, 36% और 22% क्या होगा? दूसरा है, 1200 रुपये का 34%, 14% और 52% क्या होगा? और तीसरा है हमारे पास, 840 रुपये का 62%, 24% और 14% क्या होगा? ये तीन क्वेश्चन हैं हमारे पास, अभी हम इनको हल करेंगे। तो भाइयों, पहला था 500 रुपये का 42%, 36% तो 22% क्या होगा, है ना? ये है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 500 रुपया का मतलब गुणा, और ये लिखा जा रहा है 42%, ठीक है ना? अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको करते हैं, या ये इसको सवाल 42 और प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है ना? अच्छा, अब इसको 100 से हम इसको काट देंगे, तो ये 5 बार कट गया। ओके, अच्छा, अब 5 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो 5 × 2 = 10 की सीफुर, हाथ से लगा 1, 5 × 20 और 1 = 21, 210 रुपये आ गया 42%। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 42% का कितना आया, 210 रुपया, ठीक है ना? अच्छा, अब हम करते हैं 500 रुपये का, 500 का मतलब गुणा और 36%। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 500 गुणा 36 और मल्टीप्लाई 100 में, ठीक है ना? अब ये हमने काट दिया, ये 5 बार कट गया, ठीक है ना? अच्छा, 5 का अब हम 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6 = 30 की सीफुर, हाथ से लगा 3 और 5 × 3 = 15, 3 हासिल का, ये हो गया 18, तो कितना हो गया, 180 रुपया। तो ये 36% से 500 रुपये का कितना हुआ, 180 रुपया। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं 500 रुपये का 22%, 500 रुपये का 22%, अच्छा चलिए, तो ये भी करते हैं 500 रुपये का मतलब गुणा और 22 ये लिख दिया हमने, और प्रतिशत का मतलब हो गया 100, ठीक है? अब ये 100 से 5 बार कट गया, ठीक है ना? और 5 × 2 = 10 की सीफुर, हाथ से लगा 1, 5 × 2 = 10 और 1 = 11, कितना हो गया, 110 रुपया। यहाँ पर हम 22% से कितना हुआ, 110 रुपया। अब हम इनको हम प्लस कर देंगे, देखो इनको हम प्लस करते हैं, हो जाना चाहिए, देखो 0, 8 और 1 = 9 और 1 = 10 की सीफुर, हासिल लगा 1, 2 और 1 = 3 और 1 = 4, 1 = 5, ये हो गया 500 रुपया। ये 500 रुपये का ही निकाला था हमने, तो ये 42% का हो गया, ये 36% का हो गया, ये 22% का हो गया, और टोटल 500 रुपया हो गया, ठीक है? ओके, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा है दोस्तों, 1200 रुपये का 52%, 34% और 14% क्या होगा? तो यहाँ पर हम 1200 रुपये लिखते हैं गुणा, का मतलब गुणा आप समझ गए होंगे, और 52%, ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 1200 रुपये, ओके, और कितने प्रतिशत है, गुणा 52 और 100% का हो गया ये, तो ये हम ये काट देंगे ये, तो ये 12 बार कट जाएगा, ठीक है ना? ये 12 बार कट जाएगा,
अब 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 624 में, ये 52 में हैं, तो 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगा 2, हासिल 2 लगा, 12 पंजे 60 और 2 62, ये हो गया 62, कितना हो गया 624 रुपया, कितने प्रतिशत से 52% से हो गया 624 रुपया। ओके, अब हम दूसरा करते हैं, 1200 रुपये काटा मतलब बोई और 34%, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1200 रुपया गुणा 34। ओके, अच्छा, और नीचे हम लिख देते हैं 100, तो फिर वही काटते हैं, ये 12 बार कट गया, अच्छा 12 चौक 48 की 8, हासिल 4 लगी, 12 24, वो 12 36 और 4 40, ये हो गया 408 रुपया। 408 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितने प्रतिशत से हुआ 34% से 408 रुपया हुआ 1200 रुपये का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, 1200 रुपये का गुणा 14% बता पूछा है इन्होंने, तो अब हम फिर यहाँ पर लिखते हैं 1200 रुपया गुणा 14 गुणा 100, इसको इसको काट देंगे तो ये 12 बार कट जाएगा, और 12 चौक 48 की 8, हासिल लगा 4, 12 एकम 12 और 4 16, ये हो गया 168 रुपया। ठीक है ना, अब हम 168 हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितने प्रतिशत से है ये 14% से। ठीक है, अब हम इनको सबको हम प्लस करते हैं, देखिए 8 दूनी 16 और 4 20 की 4, हासिल लगा 2, 2 और 6 8, हासिल का 2 20, 0 2 और 6 8 और 2 हासिल का 10 हो गया, 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 6 और 4 10 और 11 1 हासिल का, ये हो गया 12, हो गया 1200 रुपया, ये 1200 का ही निकाला था, 1200 रुपया हो गया, ये ऐसे चेक करती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, तो तीसरा था 840 रुपये का 62%, 24% और 14% क्या होगा, तो हम यहाँ पर वैसे ही करते हैं, देखिए 840 रुपये गुणा 62 और प्रतिशत। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 840 गुणा 62 और 100। ठीक है ना, अच्छा अब हम देखिए 200 से काटेंगे इसको, ये 0 से 0 कट गई ये वाली। ठीक है, अच्छा अब 2 से काटेंगे तो 5 बार कट गया, और 2 से इसको काटेंगे तो 42 बार कट गया ये। ठीक है ना, अच्छा अब 42 से 62 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 का 62 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 2604 रुपये। ठीक है ना, अच्छा अब हम 2604 का 5 में भाग कर देंगे। ठीक है, तो 25 की 5, 25 की 5, यहाँ से लगा 1 और 5 दूनी 10, 520 रुपया 80 पैसे। ठीक है ना, ये आ गया 520 रुपया 80 पैसे, तो ये कितने का आ गया 520 रुपया 80 पैसे, कितने का गया 62% से आ गया ये। ठीक है ना, अच्छा अब हम ऐसे ही 840 रुपये का निकालते हैं गुणा कितना है 24%। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं, देखिए 840 गुणा 24 और प्रतिशत का मतलब तो आप जानते ही हैं 100 है, एक 0 से एक 0 कट गई, 2 से काटा 5 बार, और ये 5 से 2 से काटा ये, तो ये 42 बार कट गया। अच्छा 42 का 24 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 का 24 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 दूनी 48 की 8, 24 दूनी 48 की 8 और हासिल लगा 4, 24 चौका 96 और
और 400, ये 100, 1008 आ गया, ठीक है ना। ये अब हम इसमें 5 का भाग दे देंगे, ठीक है ना, 5 का भाग दे देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 201 रुपया 60 पैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम 201 रुपया 60 पैसे हम लिख देते हैं, कितने से, 24% से इतना आया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया, 14%, तो यहाँ पर हम 840 करते हैं गुणा 14%। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए 840 गुणा 14 गुणा 100, 10 से 10 कट गई और 2 से बार 5 बार कटा और ये 42 बार कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर 42 का गुणा 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हैं, तो यहाँ पर ये आ गया 14 दूनी 28 की 8, हाँ से लगा 2, 14 दूनी 28 की 8, हाँ से लगा 2 और 14 चौक 56 और 2 58, हैं, ये 58, ये आ गया 588 रुपया। अब 588 में हम 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये हम भाग दे देंगे तो 117 रुपया 60 पैसे, ये आ गया 117 रुपये प्लस 60 पैसे, ये आ गया कितने से, 14% से ये आ गया। अच्छा, तो अब हम देखो ये इसको, अब हम यहाँ पर इसको तीनों को जोड़ते हैं, 0 6 और 6 दूनी 12 8 20 की 04, हासिल लगा 2 और 1 और 7 8 और हासिल का 2 10 की 04, हासिल लगा 1 2 और 3 और 4, ठीक है ना, 4। अच्छा, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि ये हो गया 840 रुपया, हो गया ये आपका 840 रुपया हो गया। देखो ये हमने इसको जोड़ा 0 8 और 6 14 6 20 की 04, हासिल लगा 2 और 1 3 और 7 10 की 04, हासिल लगा 1 2 और 3 और 1 हासिल का 4 5 और 2 7 और 1 8, 840 रुपये का, कितने का निकाल रहे थे हम यहाँ पे, 840 रुपये का ही निकाल रहे थे, है ना, 840 रुपये का ही निकाल रहे थे। तो ये इस तरीके से तीनों सवाल हो गए। तो भाई अगर सर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आगे मिलते हैं, धन्यवाद।